ये पढ़ाई का मतलब क्या रहा, फिर हम रात दिन एक क्यों कर रहे हैं, फिर हम पन्नों में क्यों खोए हुए, फिर हम रातों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं जब चोरी करके यहां लिखना है। उनको तो मालूम है कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल लेकर के चले जाना है, सारे प्रश्न पत्रों का हल मोबाइल से हो जाएगा, गेस्ट पेपर लेकर के चले जाना है, सारे प्रश्नों का हल गेस्ट पेपर से हो जाएगा, तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है सरकार से भी और प्रशासन से, कर्तव्य का बोध हो और शिक्षकों से कि कर्तव्य का पालन कीजिए, जिस ड्यूटी के लिए ये पद आपको मिला है उसकी गरिमा को बचाए रखिए, क्योंकि लंका हुआ उस विद्यालय के बारे में अगर आप जानते होंगे, इनकी कीर्ति के बारे में, तो आपको भी थोड़ा सा अफसोस जरूर लगता होगा, आपको आपका भी चेहरा थोड़ा मलिन जरूर हुआ होगा, आपको भी दर्द का एहसास जरूर हुआ होगा जो दर्द का एहसास मुझे। नमस्कार, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे शहर। अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है मित्र, ये मोबाइल का स्क्रीन है, लेकिन ये मामूली नहीं है। ये मोबाइल का स्क्रीन वो स्क्रीन है जिससे आज परीक्षार्थियों ने अपने परीक्षा पत्र को वायरल किया, प्रश्न पत्र को वायरल किया, और इसलिए वायरल किया ताकि उसके जवाब उसे बाहर से मिल सके और अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। मित्र, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है, ये बैकग्राउंड लंका बाबा हाई स्कूल का बैकग्राउंड, लंका बाबा उच्च विद्यालय मिर्जागंज। लंका बाबा उच्च विद्यालय मिर्जागंज के बारे में बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि गुरुदेव चाणक्य ने एक बात कही थी कि चाहे निर्माण हो चाहे परलय, ये दोनों चीजें शिक्षकों की गोद में ही पलती है। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी जो आज भी बहुत प्रासंगिक है, लेकिन स्थितियां बदल चुकी हैं। अब निर्माण कुछ एक शिक्षक कर रहे हैं, बाकी शिक्षकों का निर्माण और परलय किसी से भी मतलब नहीं। निर्माण हो जाए तो हो जाए, परलय हो जाए तो हो जाए। मैं इसलिए आज ये वाक्य बता रहा हूं क्योंकि ये जो विद्यालय है, ये विद्यालय कभी एकीकृत बिहार में बहुत प्रतिष्ठा पाया हुआ विद्यालय है। इस विद्यालय की कीर्ति चारों ओर फैली थी, और मैं आपको बता दूं कि जब कॉन्वेंट का कल्चर हमारे क्षेत्र में नहीं आया था तब इस विद्यालय की तूती बोलती थी। कई आईएएस और आईपीएस के बच्चे यहाँ पे एडमिशन करवाने, यहाँ के हॉस्टलों में रहने के लिए तरसते थे, पैरवियां लगाते थे, और यहाँ के जो शिक्षक थे वो रण बापुरे थे। चाहे यहाँ के प्रधानाचार्य उस समय के अर्जुन प्रसाद दराद की बात करें, चाहे अशोक पाठक साहब की बात करें, चाहे सुनील सर की बात करें, चाहे राघव पांडे की बात करें, बहुत लंबी फेहरिस्त है, चाहे रामेश्वर प्रसाद वर्मा या परमेश्वरी राय या बिंदा बाबू की बात करें, बहुत लंबी फेहरिस्त है, मैं सभी का नाम नहीं गिना सकता। लेकिन इस विद्यालय की कीर्ति ऐसी थी कि जीनियस जीनियस बच्चे यहाँ पे एडमिशन को तरसते थे। आज विद्यालय की स्थिति बहुत हस्तेहाल है, हम उस बारे में बाद में बात करें, क्योंकि इसके लिए दोषी सिर्फ शिक्षक नहीं है, इसके लिए दोषी इन्वायरमेंट है, वातावरण है, अभिभावक है और सभी कोई। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं कि झारखंड में अपने सूबे में हो रहे परीक्षाओं की बात। मैं अभी बहुत दिनों से देख रहा था, अभी इंटर फाइनल की परीक्षाएं चल रही थी और बहुत सारी परीक्षाएं चल रही थी, बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, और यूं शिकायतें मिल रही थी कि जैसे सारी बातें नॉर्मल, विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं वो मोबाइल लेके अंदर जा रहे हैं परीक्षा केंद्रों, वो गेस्ट पेपर लेकर के परीक्षा कक्षाओं में बैठ रहे हैं, खुल करके लिख रहे हैं, बहुत सारे जीनियस छात्र जो अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा देते हैं, उन्होंने कई बार हमको कहा कि अंकल ऐसा लगता है कि बड़ी निराशा है, फिर हम इतने रात दिन करके क्यों पढ़ें, हम फिर रातों को नींद क्यों खराब करें, जब परीक्षा केंद्रों की यह स्थिति है कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल ले जाया जा सकता है, गेस्ट पेपर ले जाए जा सकते हैं और वो खोल करके लिखा जाता है, तो फिर हमारा पढ़ने का क्या मतलब है, हमसे ज्यादा मार्क्स तो वो विद्यार्थी ले आएंगे जिसने कभी पुस्तकों को उल्टा करके नहीं देखा। आज लंका बाबा उच्च विद्यालय के श्वेत चादर में एक दाग सी लगी है, आज तीन परीक्षार्थी मोबाइल के साथ पकड़े गए
और मोबाइल के साथ सिर्फ पकड़े नहीं गए, वो मोबाइल से प्रश्न पत्र को वायरल भेज चुके थे कहीं पे और वहां से उसको जवाब भी आ रहा था। दीक्षक फैज अहमद ने उसको देखा और पकड़ा और फिर वहां के जो पिंद्रा दीक्षक है या प्राचार्य कहिए, प्रधानाचार्य कहिए लंका हुआ उस विद्यालय के, पप्पू शर्मा जी को दिए और पप्पू शर्मा ने उस तीनों बच्चों को बैठाया और उनको परीक्षा देने से वंचित रखा गया। लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात यह रही कि पप्पू शर्मा अपने वरीय पदाधिकारियों को फोन से सजेशन मांगते रहे कि आगे क्या करना है, लेकिन उसको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिला। इस संबंध में मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी टोपो मैडम से भी बात करी, नीलम टोपो मैडम से, तो उन्होंने कहा कि बहुत देर से हमें सूचना मिली है, शाम को हम मीटिंग में व्यस्त थे और ये परीक्षा जो प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं ये परीक्षा रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये प्रश्न पत्र इस संबंध में सारी जानकारी जैक को दी जाएगी और फिर जैक बता सकता है कि क्या हो सकता है। आप देख लीजिए विद्यालय की स्थिति, क्या स्थिति में बच्चे यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं और कैसे बेहतर बीत बिठाया जा रहा है, कैसे बच्चे कभी निकल रहे हैं कभी घुस रहे हैं, मतलब कोई आलम नहीं। और सिर्फ मैं लंका हुआ उस विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पास बहुत सारे विद्यालयों की शिकायतें हैं, बहुत सारे विद्यालय में जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी शिकायत है कि अंदर में इतनी चोरी चल रही है कि परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक लंबी फेरिस्त पदाधिकारियों की जारी की है जो औचक निरीक्षण करेंगे, जो विद्यालयों में जा करके देखेंगे कि परीक्षाएं सही चल रही है या नहीं चल रही है, विद्यार्थी अगर कदाचार करते हुए पकड़े गए तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जमुआ की बात करूं मैं, जिस प्रखंड में ये विद्यालय है, यहाँ पे बेगाबाद की बीओ सविता कुमारी की ड्यूटी थी और बिरनी के बीपीओ मुकेश कुमार की ड्यूटी, लेकिन पता नहीं वो आए या नहीं आए, आए तो फिर क्या करके गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्थिति बड़ी बदहाल है। सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या चाहते हैं हमको नहीं पता। आज एक चिट्ठी फिर और निकली है जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल न दीक्षक को लेके जाना है अंदर और न ही परीक्षार्थियों को लेके जाना है, सिर्फ केंद्राधीक्षक के पास मोबाइल रहेगा। चलिए इन चिट्ठियों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये यूनिवर्सल बात है कि मोबाइल लेकर के नहीं जाना, इसमें चिट्ठी निकालने की क्या बात। तो मेरा समझ में नहीं आता है कि आखिर सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या चाहते हैं, और जो परीक्षार्थियों को आगे लाना, परीक्षा का आकलन क्या होता है। परीक्षा इसलिए होता है कि विद्यार्थियों की प्रतिभा का, विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन, लेकिन परीक्षाएं जब इस तरह से होगी तो आकलन क्या होगा। जिनके अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, वो मार्क्स ज्यादा ले आए, और जिन्होंने रात दिन एक किया तो बेचारा बहुत लिखेगा तो उससे कम ही मार्क्स रहेगा, क्योंकि उस तरह से मोबाइल और पेपर खोल करके तो लिख नहीं रहा है, वो तो अपना जो रिवाइज करके गया, याद करके गया, प्रैक्टिस करके गया, वही लिखेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ये परीक्षा का जो पेपर वायरल हुआ है ये रद्द करे ना करे मैं इसमें नहीं जाता, मैं ये कहता हूं कि अग्रेतर जो परीक्षाएं आएंगी, बाहर से तो केंद्र परीक्षा केंद्र बहुत शांत नजर आता है, क्योंकि शांत क्यों ना नजर आए, सारी सुविधाएं अंदर में जब मौजूद है तो फिर कोई क्यों दीवार तड़पे, कोई क्यों चोरी के लिए खिड़कियों को तड़पे, यहां तो सारी चीजें अंदर में मौजूद है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे आकलन से क्या मतलब है, ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने से क्या मतलब है, जिन परीक्षाओं का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मैं उन विद्यार्थियों को ज्यादा दोष नहीं देता, क्योंकि जब सिस्टम ही इस तरह से निठल्ला है, संवेदनशील है ही नहीं। मैंने देखा है कई जो परीक्षा निरीक्षकों को कि वो जाते हैं, कॉपियां पहुंचाएं, नीचे बैठ करके गप हाके चाय पिए चले आए, वो कभी परीक्षा केंद्र के कक्षाओं में जाकर के नहीं देखते कि कैसे संचालित हो रही है परीक्षा। शिक्षकों का वही हाल है, एक दो को छोड़ दें हम तो सारे की स्थिति यही। तो इस तरह से जो पौधे हमारे निकलेंगे, ये कल किसी नौकरी में जाएंगे, कहीं किसी बड़े बड़ी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, तो आखिर ये वहां क्या करेंगे, हम कैसे पौधों को बड़ा कर रहे हैं। मैं उन अभिभावकों से भी कहता हूं कि ज्यादा खुश होने की बात नहीं,
अगर हमारा बच्चा चोरी करके ज्यादा मार्क्स ले आया तो अपने ही पैर में तो कुल्हाड़ी मार रहा है, समाज और देश का भविष्य तो गर्त में जाएगा ही, वो अपने भी पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। तो इसके लिए बहुत खुश होने की बात नहीं है। और कैसे आप अपने बच्चों को मोबाइल के साथ परीक्षा देने भेजते हैं, और यदि मोबाइल के साथ परीक्षा देने भेजते हैं तो आप खुद क्यों नहीं आते, आप उनका कस्टोडियन मोबाइल का क्यों नहीं बनते? तो पता नहीं किस राह में अभिभावक जा रहे हैं, किस राह में शिक्षक जा रहे हैं, किस राह में प्रशासन जा रहे हैं, और किस राह में सरकारें जा रही है। क्या चाहती है ये? जो गुरु और विद्यार्थी का संबंध था वो संबंध तो तार तार हो चुका है। सभी को रिजल्ट की पड़ी है, 90+ लाना है। 90+ लाके करोगे क्या जब अंदर में ज्ञान ही नहीं है, जब अंदर में कुछ जानकारी ही नहीं है? आप 90+ लाके क्या करोगे? आगे की चीजें कैसे हल होंगी, या यूं ही इसी तरह से हल हो जाती होंगी? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मैं समझता हूं कि इस आवाज को आपको, हमको, सभी को उठाना चाहिए, परीक्षाओं को फिर उसी पैटर्न पे लाना चाहिए जो परीक्षाएं आज से 25-30 साल पहले, 20 साल पहले होती थी। एक कड़ाई के साथ परीक्षाएं होती थी, बच्चों को पढ़ना पड़ता था। अब तो बच्चे ये स्थिति देखेंगे तो पढ़ेंगे, उनको तो मालूम है कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल लेकर के चले जाना है, सारे प्रश्न पत्रों का हल मोबाइल से हो जाएगा। गैस पेपर लेकर के चले जाना है, सारे प्रश्नों का हल गैस पेपर से हो जाएगा। तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अभिभावक भी खुश कि मेरा बेटा तो फर्स्ट डिवीजन किया, इतना मार्क्स लाया। शिक्षक भी खुश कि हमारे विद्यालय के परीक्षार्थियों ने प्रथम लहरा दिया, इतने मार्क्स लाए, इतने परसेंट फर्स्ट किए। तो ये सारे दिखावे का जो खेल हो रहा है, एक दूसरे को धोखा देने का खेल, इससे समाज को क्या लाभ है, इससे राज्य को क्या लाभ है, और इससे देश को क्या लाभ है, सोचिएगा जरूर। क्योंकि लंका हुआ उस विद्यालय के बारे में अगर आप जानते होंगे, इनकी कृति के बारे में, तो आपको भी थोड़ा सा अफसोस जरूर होता होगा, आपको आपका भी चेहरा थोड़ा मलिन जरूर हुआ होगा, आपको भी दर्द का एहसास जरूर हुआ होगा जो दर्द का एहसास मुझे हुआ। मैं लंका बाबा ही नहीं, सभी विद्यालय के शिक्षकों से कहता हूं कि आप शिक्षक बनिए, कठोर होइए थोड़ा सा, विद्यार्थियों को कदाचार करने से रोकिए और विद्यार्थियों को पढ़ाइए। आप पढ़ाएंगे नहीं तो कदाचार होगा ही ना। और सरकारों से भी कहता हूं, ये जो मेन पावर आगे जाएंगे, ये मानव संसाधन आप कैसा तैयार करते हैं, इस मानव संसाधन से क्या होगा, क्या बदलाव आएगा समाज में, इस मानव संसाधन से क्या काम में आएगा? इसलिए जिसमें प्रतिभा है वो छात्र, वो विद्यार्थी, वो छात्राएं बहुत निराश है आज। उन्होंने मेरे साथ दुख साझा करते हुए कहा, फिर पढ़ाई का मतलब क्या रहा, फिर हम रात दिन एक क्यों कर रहे हैं, फिर हम पन्नों में क्यों खोए हुए हैं, फिर हम रातों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं जब चोरी करके यहां लिखना है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है सरकार से भी और प्रशासन से, कर्तव्य का बोध हो, और शिक्षकों से कि कर्तव्य का पालन कीजिए, जिस ड्यूटी के लिए ये पद आपको मिला है उसकी गरिमा को बचाए रखिए, और ऐसी स्थिति पैदा कहीं नहीं हो इसकी उद्योग करने की हम सबों की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आज की इस घटना के बाद दूसरे जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें बदलाव मुझे दिखेगा। जो निरीक्षक हैं वो औचक निरीक्षक निरीक्षण वास्तव में करेंगे, चीजों को टाइट करेंगे, और सही विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन करने में समाज को, देश को सहयोग करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और लंका बाबा की मर्यादा रखने की आप सभी को मेरे जोर से निवेदन है कि जो लंका बाबा की मर्यादा है, जिनके नाम से संस्थाएं चलती है, उन संस्थाओं की मर्यादा बनी है। बहुत बहुत